हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल गेमट्रॉनिक्स। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस यार, लास्ट वाली वीडियो में आप सभी को याद होगा कि हम लोग एक माइन में गए थे जहाँ पर हमें ना बहुत सारा आयरन मिला था और कोल भी मिला था वहाँ पर। लेकिन गाइस वहाँ पर हम ना सोच रहे थे कि काश गोल्ड भी मिला, लेकिन गोल्ड हमें मिला नहीं वहाँ पर। गाइज यार, मैं सोच रहा हूँ ना कि आज मैं ना दोबारा से वहीं पर माइनिंग करने जाऊँगा। हो सकता है कि हम ज़्यादा, मतलब वो जो माइन थी ना यार, बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड थी। ओके, और मैं ना सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि वहाँ पर जो माइन है वो जिन जिन माइन से कनेक्टेड है, मैं उनको अगर छान लूँ तो हो सकता है हमें गोल्ड या डायमंड भी मिल जाए। तो गाइज यार, मैं ना सोच रहा हूँ कि ना आज मैं अपने घर में एक फाउंटेन बनाऊँ। तो उसके लिए ना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस स्मूथ स्टोन और कॉबल स्टोन चाहिए होगा। और स्मूथ स्टोन तो मेरे पास है, जो मैं विलेज से कलेक्ट करके लाया था। देखो यहाँ पर स्मूथ स्टोन, थोड़ा सा बहुत कॉबल स्टोन भी ले लेता हूँ, क्योंकि हमें ना स्मूथ स्टोन बहुत सारा चाहिए होगा। ओके, तो इतना कॉबल स्टोन तो ठीक है इतना तो। ओके, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा फालतू का सामान भी पड़ा है। हम लोग फिश लेने, मतलब कैट, हम लोग हमें यहाँ पे अपने फार्म में कैट लानी थी, तो हम उसके लिए फिश भी कलेक्ट करी हमने। ओके, तो मेरे यहाँ पर आयरन इंगट वहाँ से लेके आया था, वो अभी तक हुए ही नहीं। यहाँ पे चिकन रखा था क्योंकि के तो स्मूथ स्टोन नहीं, कॉबल स्टोन डालना है इसमें। ओके, तो अभी मैं ना कॉबल स्टोन से हमें मिलेगा स्टोन, और स्टोन से हमें मिलेगा स्मूथ स्टोन। तो के यहाँ पर कुक्ड मटन, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ओके जल्दी से, चलो यहाँ पे एक स्टोन बन गया से। तो के यहाँ पर अभी स्मूथ स्टोन तो बन ही चुका है। कि तो यहाँ पर अभी मेरे पास बहुत सारा फालतू का सामान पड़ा है। ये फ्लिंट है, हमें ना फ्लिंट एंड स्टील बनाएंगे जब हम लोग नीदर वर्ल्ड में जाएंगे। तो उसके लिए यार मुझे ना ऑब्सीडियन चाहिए होगा, और ऑब्सीडियन हमें मिलता है लावा के ऊपर पानी डाल दो। तो यहाँ पे आयरन और तो बन, आयरन इंगट बन चुके हैं। यहाँ पे स्टोन डाल दिया मैंने, यहाँ पे स्मूथ स्टोन बन जाएंगे। यहाँ पे दो स्टोन और आए, इससे भी यहाँ डाल देते हैं, तो पांच स्मूथ स्टोन तो मिल ही जाएंगे। आयरन और को फटाफट से जाके मैं अपनी चेस्ट में रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 22 आयरन और हो चुके हैं। ओके, तो अब जल्दी से देखते हैं यहाँ पर कितने स्मूथ, ओके दो स्मूथ स्टोन बने हैं। कि यहाँ पे दो स्टोन बने यार, बहुत टाइम ले रहा है ये तो। बेचार ये फर्नेस हमारे पास जो है बहुत टाइम लगा रही है। तो काम करता हूँ ना, जब तक मैं ऊपर जाके ना जो है ना अपनी जो अपना जो फाउंटेन है उसके लिए जगह देख लेते हैं। मतलब जगह तो देखी हुई, नहीं पे बनाएंगे सामने बस एकदम। और अभी मैं ना यहाँ पर खोदना चालू कर देता हूँ। यहाँ पर इधर से खोदना चालू करेंगे। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरफ में, इस तरफ में, इस तरफ में। ओके, तो जहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा बड़ा एरिया हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पे सेंटर में मैं कॉबल स्टोन लगा देता हूँ। यहाँ पे एक इसमें कॉबल स्टोन और लगाते हैं थोड़ा यार, यहाँ पर इतना ऊंचा नहीं है, और थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। ये स्मूथ स्टोन पहले कलेक्ट कर लेते हैं, और अभी ना हमें ऊपर चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे कॉबल स्टोन, एक सेकंड जंप मार के, एक और, एक और बस। ओके, तो यहाँ पर कॉबल स्टोन लगाता हूँ। एक एक सेकेंड स्मूथ स्टोन लगाऊं कि कॉबल स्टोन, समझ नहीं आ रहा कुछ। ओके, तो यहाँ पे एक स्मूथ स्टोन यहाँ पर। ओके, एकदम से नीचे गिर गया बस। एक यहाँ पर, एक सेकेंड, इसको बाद में कलेक्ट करूँगा, एक सेकेंड अभी कलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो एक, इसको भी तोड़ते हैं फटाफट। ओके, तो इतना काम तो हो गया। अभी मतलब बहुत टाइम लगने वाला है यार इसमें तो। के एक यहाँ पर, एक स्मूथ स्टोन इधर, एक सिन लगाई नहीं, एक इधर, एक इस तरफ में, एक इस तरफ में, और एक इधर सेंटर में। ओके, तो इतना काम तो हो गया। अब मुझे यहाँ पर वापस से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। काम करते हैं, पहले मैं और कॉबल स्टोन, वो स्मूथ स्टोन ले आता हूँ ना, हो सकता है कमी पड़ जाए, फिर वापस हमें नीचे उतरना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 13 स्मूथ स्टोन बन चुके हैं। ओके, तो
इतने काफी है, मतलब टोटल 15 स्मूथ स्टोन तो है ही हमारे पास, और हो सकता है थोड़े बहुत बच भी जाए। ओके तो जल्दी से अब यहाँ चलते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं एक काम कर, डर्ट रखते हैं, डर्ट आसानी से टूट भी जाएगी, कोल्ड स्टोन में टाइम लगता है। ओके तो बस इतना काफी है बस। ओके तो यहाँ से अब स्मूथ स्टोन लगाते हैं, यहाँ एक ना एक ना इधर एक किधर। ओके अरे यार ये पूरा एरिया तो भर ही गया पूरा। यार एक काम करते यार, इसको भी तोड़ देता हूँ यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो यहाँ पे बारिश भी चालू हो गई, तो यार इस स्मूथ स्टोन को यहाँ से निकालते हैं। उसके बाद हम बाकी का काम, मतलब पानी वगैरह भरना ना स्टार्ट करेंगे। के तो यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, एक सेकेंड, पिकेक्स, फिर यहाँ से एक इधर पे, एक इस तरफ में, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ में। ओके तो इतना काम हो गया, अभी जल्दी से कलेक्ट करते हैं। कि अब पहले यहाँ से डर्ट को भी तोड़ते हैं। एक ये गई, ये भी गई, बाकी की नीचे जाके कलेक्ट हो जाएगी। ओके तो चलो इसको भी तोड़ के कलेक्ट कर लेते हैं। ओके तो ये बाकी का जो स्मूथ स्टोन है इसको भी कलेक्ट कर लिया मैंने। अब यार मुझे वापस से ऊपर जाना पड़ेगा पानी डालने के लिए। यहाँ से एक सेकंड गलत रख गई, कोई बात नहीं, इसको बाद जल्दी से कलेक्ट करते हैं वापस। तो अपना यहाँ से जो अपनी डर्ट है उसको रखना स्टार्ट करते हैं। ओके 1 2 3 4 कितना काफी है। ओके वाटर कितना, यहाँ सेंटर में डालूंगा। ओके तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो अपना जो फाउंटेन है वो स्टार्ट हो चुका है। उधर ये जो स्मूथ स्टोन है हमने फालतू में लगा दिए थे, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ओके एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं, चलो नीचे गिर गया मैं, यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं। ओके अब यहाँ से आसानी से टूट जाएगा ये। ओके अब ये सारा जो जितना भी स्मूथ स्टोन यहाँ पे गिरा हुआ है इसको कलेक्ट करते हैं फटाफट। ओके तो अभी ना मैंने सारा स्मूथ स्टोन यहाँ से कलेक्ट कर लिया है, और ये डर्ट को भी यहाँ से निकाल हटाता हूँ। ओके तो चलो इसको भी हटाओ और ये भी हटी, चलो। तो ये यार इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं लग रहा है ये, मैं ना ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको थोड़ा सा ऊंचा और कर दूँ, या फिर इसके जो साइड में आप खाली एरिया देख पा रहे हो ना स्मूथ स्टोन ने, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत पानी डालूँ। तो जल्दी से एक काम करता हूँ, मैं पानी लेके आता हूँ, बन जाएगा। तो क्या कहीं यहाँ पे अभी ना फाउंटेन कंप्लीट हो चुका है, और ये देखो रो देख रहो यार कैसा दिख रहा, मतलब अंदर का स्मूथ स्टोन तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। मतलब यार इसको ना मैं बाद में सही करूँगा, अभी ना रात हो चुकी है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, जब तक सुबह होने में टाइम है अभी तो वैसे, तो एक काम करता हूँ पहले ऊपर चलता हूँ, यहाँ का जो पानी है उसको भी, उसका जो फ्लो है उसको बंद करता हूँ, उसके इसको जब तक ठीक कर लेते हैं। एक कॉबल स्टोन रखता हूँ यहाँ सेंटर में। ओके स्मूथ स्टोन, ओके चीज तो कुछ अलग ही हो गया, चलो अब फिर भी यार थोड़ा बहुत तो ठीक ही लग रहा है। इसको मैं यार बाद में आराम से एकदम सही करूँ, एकदम आराम से बैठ के। तो क्या अभी ना रात हो रही है, और मेरे को ना माइनिंग करने जा रहे हैं, वही जो पुरानी वाली माइन है जहाँ से हमें बहुत सारा आयरन और कोल मिलता हो, तो वापस में सुबह होते ही वहाँ पे जाऊँगा। तो एक काम करता हूँ अभी ना मैं जल्दी से जाकर सो जाता हूँ। वैसे फाउंटेन देखने में तो ठीक ही लग रहा है, इतना ज़्यादा बढ़िया भी नहीं, इतना ज़्यादा घटिया भी नहीं है। कि और उधर मेरी शीप्स को देखो कैसे, मतलब एक ही साथ घुस गई हैं झुंड में। ये स्मूथ स्टोन तोड़ देते हैं यहाँ से। और इधर तरफ से भी स्मूथ स्टोन, इसको भी तोड़ देता हूँ। कि तो अब इनको जल्दी से कलेक्ट करते हैं, हो गया क्या सारा कलेक्ट? ओके अब थोड़ा वो ठीक लग रहा है। यहाँ पे एक टॉर्च लगा देते हैं। ओके यहाँ स्मूथ स्टोन एक और है, इसको कलेक्ट कर लिया है। एक और टॉर्च, एक और टॉर्च, और एक इस तरफ में भी लगाएंगे यहाँ पर। ओके तो इतना काम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके
और एक टॉर्च यहाँ लगा देता हूँ। वैसे जरूरत तो नहीं है यार फाउंटेन के, जो टॉर्चेस है उससे उस तरफ में तो रोशनी हो रही है। पहले यहाँ पे जाके सो जाता हूँ, ये तो जल्दी से सुबह होएगी, मैं फटाफट से माइनिंग करने निकल जाऊँगा। और टॉर्च अभी मेरे हाथ में ही है। अब ना सुबह हो चुकी है और मैं फटाफट जाने वाला हूँ माइनिंग करने। वैसे एक सेकेंड, मैं इस तरफ से क्यों जा रहा हूँ, माइन तो उस तरफ में है, मैं इस तरफ के गेट से जाऊंगा। मैंने यार बार बार इतने सारे गेट बना रखे हैं मैंने घर के अंदर एंटर होने के लिए और एग्जिट होने के लिए, कि मैं खुद ही भूल जाता हूँ। मुझे ना इनको नाम देना पड़ेगा कि, तो अभी ना फटाफट, ये क्या है, ओके यहाँ पे हो सकता है कोई स्केलेटन मरा है, उसकी यहाँ पे बोन और एरो मुझे यहाँ पे मिल गए। के तो यहाँ पर एक काऊ खड़ी है। ओके तो मैं फटाफट से पहुँचता हूँ उस माइन की तरफ। तो के गाइस ना अभी ना मैं भागते भागते आ चुका हूँ माइन के लिए, मतलब माइन में बस हम लोग एंटर होने वाले, बस हमें यहाँ से ये पानी को क्रॉस करना है। ओके जल्दी, तो ओके हाँ चलो हम जल्दी से माइन में चलते हैं। ओके ना नीचे चलते हैं यहाँ से। ओ नहीं नहीं गिरा, मैं गिरा नहीं, गिरा नहीं, गिरा गिर गया। चलो ज़्यादा लाइफ तो नहीं गई है। तो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो यार मैंने कितनी सारी टॉर्चेस लगाई हैं, जिससे हम जहाँ से एंटर हो ना वहाँ पर कोई भी मॉब वगैरह जो है इस रीस्पॉन ना हो। कि तो यहाँ पर तो पता नहीं ये रास्ता कहाँ जा रहा है, मैंने बस यहाँ पे स्टार्ट टॉर्चेस लगाई हैं यहाँ पर। ओके और यहाँ पे क्रीपर, क्रीपर कहाँ से आया है यार ये, इसको मार। अरे नहीं ये स्वॉर्ड निकालता हूँ पहले, तो ये फटा फटा। चलो मुझे कोई डैमेज तो आया नहीं, ये अच्छा है। कि कॉबल स्टोन यहाँ से स्क्रीपर की वजह से मुझे बहुत सारा कॉबल स्टोन, मतलब बहुत सारा तो नहीं थोड़ा बहुत मिला। यहाँ पर कोल है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरफ में भी कोल है, इसको भी कलेक्ट करता हूँ पहले। तो क्या यहाँ से मैंने सारा कोल इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे 21 कोल हमें को मिल चुके हैं। यहाँ से ये वाला कोल भी कलेक्ट करता हूँ। वैसे एक सेकंड यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ पहले। ओके चलो अब थोड़ी बहुत रोशनी हुई, यहाँ से ये कोल कलेक्ट करते हैं फटाफट। तो ओके गाइज अभी ना कोल कलेक्ट करते करते यार मेरी पिकेक्स टूट गई है, और यहाँ पर अभी मेरे पास एक भी पिकेक्स नहीं है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अलग अलग जो माइन जहाँ से जुड़ी हुई है वहां पर जाके ना, यहाँ पर दो के यहाँ से मुझे ना ग्रेवल क्यों कलेक्ट कर ली मैंने यार, ये फेंकता हूँ यार मैं। बस पहले बैग भर रहा है मेरा, अभी मैं भी पिकेक्स भी टूट गई यहाँ पर कोल कलेक्ट करते करते। और लेकिन यार अभी मेरे पास टॉर्चेस तो हैं, मैं काम करता हूँ यहाँ पे अलग अलग जगह जाके टॉर्चेस लगा देता हूँ। एक यहाँ लग, एक सॉरी गलती से लग गई, इसको कलेक्ट करते हैं। कि इस तरफ में लगाता हूँ, यहाँ पर कोल है, इधर भी और के इधर और कोल है, और इस तरफ में भी कोल है। ओके तो अभी मेरे टॉर्चेस भी खत्म हो चुके हैं। एक काम करता हूँ, ऊपर बहुत सारे ट्रीज हैं, मैं एक काम करता हूँ पहले ऊपर ट्रीज के पास चलते हैं, और वहाँ से मेरे पास अभी कॉबल स्टोन भी है, तो मैं एक काम करता हूँ ऊपर चलता हूँ, वहाँ से ट्रीज से हमें ना ट्रीज को तोड़ के हमें है ना वहाँ से जो ओक वुड मिल जाएगी उससे हम प्लैंक बनाएंगे, और प्लैंक से हम वो लोग बनाएंगे ढेर सारे स्टिक्स, और जिससे हम टॉर्चेस भी बना लेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल तो है ही और कॉबल स्टोन भी है, तो ये ठीक रहेगा। और अगर कॉबल स्टोन नहीं भी होता ना तो मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता उसे, उसको कलेक्ट करने के लिए मेरे पास पिकेक्स तो बना ही लेता मैं। जल्दी से ऊपर चलते हैं यार, और जल्द कि एक सेकंड ऊपर नहीं चढ़ पा रहा मैं साइड में चले गया था। कि तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितने सारे ट्रीज हैं, इधर तो नहीं इस तरफ में। ओके तो अभी ना रात होने वाली है, बस मतलब माइनक्राफ्ट में इतनी जल्दी रात हो जाती है, इतनी जल्दी सुबह हो जाती है ना, पता भी नहीं चलता। कि जल्दी से यहाँ पे ये ट्री है, इसका जल्दी से यहाँ से ओक वुड कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अभी ना वुड कलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने इससे बना लिया है
वुडन प्लैंक, और अभी ना स्टिक्स बनानी, मैंने गलती से बटन बना लिया। स्टिक्स स्टिक्स ये इधर, ओके यहाँ से बहुत सारे स्टिक्स मिल जाएगी मुझे, कि ढेर सारी चाहिए स्टिक्स तो। कि इतनी स्टिक्स काफ़ी रहेगी, क्राफ्टिंग टेबल पिकेक्स बनाने के लिए, और यहाँ पे बाकी के स्टे वुड प्लैंक्स का भी मैं कुछ नहीं करने वाला। माइंड कहाँ चली गई? माइंड कहाँ गई? ओके ओके माइंड कहाँ है? ओके एक सेकंड, इस तरफ है। मैं एक तो ऊपर की तरफ में घूम रहा था इसलिए मुझे माइंड दिखी भी नहीं। वैसे इस तरफ में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना गड्ढा है। वहाँ पे मैंने बहुत सारा कोल मिला था मुझे पिछली बार, कि यहाँ पर मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल इस तरफ में रखता हूँ। और अब जल्दी से पिकेक्स बनाते हैं, पिकेक्स पिकेक्स स्टोन पिकेक्स यहाँ पर दो बना लेंगे, बस इतना काफ़ी है। और इसको टॉर्चेस तो हम बाद में भी बना सकते हैं। ये तो अभी नीचे चलता हूँ फटाफट, क्योंकि यहाँ से फटाफट 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 यहाँ से जंप मार देते हैं। यार एक सेकेंड, इस तरफ में यार बहुत ज़्यादा अंधेरा है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे टॉर्च बनानी रहेगी, वो मेरा पूरा बैग भरा पड़ा है। एक सेकंड, लेकिन फ्लावर की कोई ज़रूरत तो है नहीं, और बस फ्लावर निकाल के रख दिया मैंने। और यहाँ पर बहुत सारे टॉर्चेस, मतलब बहुत सारे तो नहीं, कितनी टॉर्चेस बन गई देखना पड़ेगा, कि तो यहाँ 16 टॉर्चेस है, बहुत है। इतनी टॉर्चेस बहुत हैं। स्मूथ स्टोन पता नहीं मैं क्यों लेके आ गया यहाँ पर, कि यहाँ से गिर गया एक। ओके टॉर्च नीचे गई, मैंने गलती से ग्रेवल पे लगा। ओके तो यहाँ से मिल जाएगी, चलो यहीं पर ये गिरी है, यहाँ से ऐसे कलेक्ट करता हूँ। ओके तो ये तो बहुत ज़्यादा डीप है यार, ये मैं नीचे नहीं जाने वाला, मैं बाद में जाऊँगा नीचे। पहले ऊपर ऊपर का एक अपन हिस्सा जो है क्लियर कर लेते हैं। और एक सेकेंड, मैं ना यार ये सोच रहा हूँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डीप है उधर पीछे की तरफ में, तो हो सकता है वहाँ पे ना हमें डायमंड मिल जाए। क्योंकि यार मैंने जहाँ तक सुना है माइनक्राफ्ट में डायमंड बहुत ज़्यादा डीप में जाओ ना तभी मिलता है। कि तो अभी ना मैं पिकेक्स निकालता हूँ। के तो अभी ना मैं किस तरफ जाऊँ? इस तरफ में जाते हैं, यहाँ पर क्या है इस तरफ के? एक सेकेंड, यहाँ पर आयरन है, आयरन है। ओके यहाँ पर लावा भी है, यहाँ पर गाइस लावा भी है। मैं काम करता हूँ, पहले नीचे उतरने के लिए यहाँ पे कॉबल स्टोन लगाता हूँ। कॉबल स्टोन सीढ़ी बनाऊंगा एक कॉबल स्टोन से, कितना। और एक यहाँ पर कॉबल स्टोन, और यहाँ पे फटाफट टॉर्च लगा देते हैं। ये तो गाइस जब देख रहे हो लावा सूखा नहीं, कितना ज्यादा मतलब अंधेरा हो गया वो तो अच्छा, वो टॉर्च लगा दी यहाँ पर। ओके तो अब यहाँ से जो आयरन है मुझे यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। ये जल्दी जल्दी यहाँ से सारा आयरन कलेक्ट करते हैं और ऊपर वापस चलते हैं। तो गाइस यहाँ से अभी मेरा सारा आयरन जो है कलेक्ट 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 क्यों नहीं हुआ? ओके तो बैग भरा हुआ है, ये डायोराइट यहाँ पे पटक देते हैं। ओके तो सारा आयरन ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो गया। ओके यहाँ पे 8 आयरन है। फ्लिंट 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 एंड स्टील बनाने के काम आएगा, वुडन शॉवल का कुछ काम तो है नहीं। कॉर्न फ्लावर फेंक देते हैं, ये फिर से कलेक्ट हो गई, कोई बात नहीं यार बाद में फेंक देंगे। ओके यहाँ पे एक और आयरन है, इसको भी कलेक्ट करते हैं यहाँ से। इस तरफ में एक और है, बहुत सारा आयरन है यार इधर तो, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ से तो पूरा कलेक्ट कर ही लिया। यहाँ पे आगे की तरफ में क्या है? आगे चलते हैं, क्या अंधेरा हो रहा है। एक सेकेंड, यहाँ रोशनी कहाँ से आ रही है? ये यहाँ टॉर्च लगाता हूँ पहले, कि यहाँ पे आयरन। ओके एक सेकेंड, ये तो वही घूम फिर के वहीं आ गए, यहाँ पे और आयरन है। यहाँ पर बहुत सारा आयरन है यार, मैं काम करूँ नीचे यहाँ पे कॉबल स्टोन लगाता हूँ, आयरन के ओर के नीचे कॉबल स्टोन लगाता हूँ, जिससे ये नीचे ना गिरे। और अब इस तरह से मैं मतलब एक रास्ता टाइप बना दूंगा, जिससे मैं आसानी से उधर जाके आयरन को कलेक्ट कर लूंगा। एक इधर और एक इधर, बस एक इस तरफ लगा देते हैं। चलो इतना काम तो हो गया, यहाँ से ये जो आयरन है इसको कलेक्ट करते हैं फटाफट। के इसको कलेक्ट करते हैं, ओके यहाँ नीचे तरफ एक और आयरन और है, इसको कलेक्ट करते हैं। और ये नीचे गया, मतलब यार ये नीचे गए। ओके कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक और आयरन मिल गया। ओके इसके नीचे और है, इसके नीचे और आयरन है और है। ओके
आपके मतलब ऊपर की तरफ में तो एक ही था, यहाँ नीचे की तरफ में और है। तो क्या यहाँ से मैंने सारा आयरन अभी कंप्लीट जो है कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 22 आयरन और है मेरे पास, के देखो आप कितना ज़्यादा मतलब खुदाई करी मैंने आयरन कलेक्ट करने में। कि मैं ना ऊपर चलता हूँ यहाँ से, जैसे इस तरफ में पानी है तो अभी नहीं जाने वाला मैं। ओके यहाँ से यार एक सेकेंड, ये क्या रास्ता टाइप है कुछ, सेकेंड नहीं यार मेरे को नहीं जाना उधर अभी ना, उस तरफ में बाद में जाऊंगा। पहले ना मैं यहाँ पे मैंने बहुत सारा आयरन देखा था उसे कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कोल है, इस कोल को कलेक्ट के नीचे की तरफ में रास्ता, एक सेकेंड टॉर्च लगी हुई है, ये कहाँ पे ऐसे जा रहा है रास्ता। मतलब हर ये जो माइन है ना उसकी जो अंदर भी बहुत सारी माइन है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये गजब है यार। मतलब कहीं पे भी खुद जाओ निकलोगे एक ही जगह आप, ये मतलब एक। तो क्या कही जा रहे हैं, यहाँ से मैंने सारा कोल कलेक्ट कर लिया और अब मैं ना नीचे की तरफ में जैसे कूदा तो मैं इस तरफ में जहाँ पे मुझे आयरन मैंने देखा था कि यहाँ पर कोल है, और इस कोल को भी जल्दी से कलेक्ट करते हैं। तो क्या है यहाँ से मैंने सारा आयरन जो है जो कोल है सब कलेक्ट कर लिया है और सिर्फ आगे की तरफ में चलते हैं। यहाँ पर ही तो माइन यहीं पे बंद हो गई, जब वापस चलते हैं यहाँ से के, और यहाँ पर और कोल है, इस कोल को भी फटाफट कलेक्ट करते हैं। तो क्या गाइस ना अभी ना मैंने सारा का सारा कोल यहाँ से कलेक्ट कर लिया है और अब मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ। कि तो इस तरफ में एक और रास्ता जा रहा है, कहाँ पड़ते हैं नीचे चलना अभी तो नहीं यार, अभी मैं नीचे नहीं जाने वाला, मैं दूसरी तरफ में चलता हूँ। के तो भी मैं यहाँ से बाहर जाने से पहले एक काम करता हूँ, ये झरने की तरफ से भी एक रास्ता जा रहा है। हाँ इस तरफ नहीं, इस तरफ क्या है के इधर भी एक रास्ता है, ये मैं इस तरफ में अभी नहीं जाने वाला। ये रास्ता शायद वही वाला है जब हम पिछली बार अभी आयरन कलेक्ट करने गए थे तब वाला। तो के इधर ऊपर की तरफ में भी रास्ता है और एक इधर साइड से जा रहा है, इस तरफ में चलते हैं। ओके यहाँ आयरन है, इस आयरन को कलेक्ट करते हैं। ओके तो ये रहा आयरन, इसको मैंने कलेक्ट कर लिया है और अभी मेरे पास टोटल 25 आयरन हो रहे हैं। और देख रहे हो आप कोल्ड तो बहुत सारा है मेरे पास, मतलब 100 पार कर गया है, ठीक है 64, 42। तो इधर भी एक रास्ता है, इस तरफ में चलते हैं। एक सेकेंड फिर मैं यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता हूँ, टॉर्च पहले इसको तोड़ते हैं। अब इस तरफ में चलते हैं जंप मार के। इस तरफ में इस वाले डर्ट को हटा दो जिससे जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे ग्रेवल गिर गई। यहाँ से फटाफट टॉर्च लगाता हूँ, इधर 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 बस बस यहीं पे लगी नहीं। लग गई, चलो मैं आया किधर से था। इस तरफ से है। तो यहाँ से भी पानी आ रहा है, ये पता नहीं क्या कैसी जगह है ये। इस तरफ में थोड़ा रास्ता जा रहा है, यहाँ पर इस तरफ में यहाँ टॉर्च लगाता हूँ। तो अब थोड़ा बहुत ठीक है, अंधेरा कम हुआ। यहाँ पर एक टॉर्च इधर लगा देते हैं, इधर भी नीचे कोल है, कोल है नीचे, इधर टॉर्च लगाते हैं। इधर से भी एक एक सेकेंड, ये गोल्ड है। ओके गोल्ड मिल गया आज, आज का ही गोल्ड मिल गया। और यहाँ पर भी बहुत सारा आयरन है। इधर नीचे की तरफ में एक जॉम्बी, इसको मार देते हैं, इसके बाद हम आराम से यहाँ से सारा आयरन और गोल्ड कलेक्ट करेंगे। एक सेकेंड ये रहा। ओके उसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा, मर गया साला। इसको भी यहाँ पे मारा है मैंने। और यहाँ पर यार गोल मिल गया यार, मजा आ गया यार आज तो। पहले यहाँ से ऊपर चलते हैं, ठीक है एक यहाँ पे लगाते हैं एक और, बस अब यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता बन गया। अब आराम से यहाँ पे जितना आयरन है सब कलेक्ट करूँगा मैं और उसके बाद गोल्ड कलेक्ट करेंगे। कि ऊपर की तरफ में एक और रास्ता पता नहीं कहाँ से आ गया यार, ये माइंड ना यार कुछ समझ ही नहीं आ रही कहाँ से अपन घुस रहे हैं कहाँ पे निकल रहे हैं। कि इस तरफ में और आयरन है, इसको भी कलेक्ट करते हैं। और ये अभी ना मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, मैं पहले नीचे चलता हूँ आयरन कलेक्ट करने। के इधर भी और आयरन है, इसको भी कलेक्ट करते हैं। के
जल्दी से ऊपर उछलते हैं। तो यहाँ पर ये आखिरी आयरन का बोर है। तो आखिरी था ये, ठीक है। नीचे की तरफ में पता नहीं क्या है, मैं उसको बाद में देखेंगे, पहले ये गोल कलेक्ट करते हैं। चलो जल्दी 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 जल्दी। ये क्या हुआ, कलेक्ट हो गया क्या? नहीं, जगह ही नहीं, कलेक्ट कैसे होगा? देख सकेंगे गोल्ड कहाँ चल गया, गोल्ड कहाँ है, कहाँ गया यार? यार शिट यार गाइस, अभी मुझे याद आया यार, अगर अपने को गोल्ड कलेक्ट करना होता है ना, तो अपने को आयरन की पिकेक्स लानी होगी यार। एक गोल्ड मैंने बर्बाद कर दिया। एक सेकेंड, मैं आया कहाँ से था? एक सेकेंड, इस तरफ से आया था। यहाँ पे और कोल है, इसको भी कलेक्ट करते हैं। और अभी ना यार, मैं सीधे अपने घर के लिए जाने वाला हूँ, वहाँ से अपने आयरन पिकेक्स लूंगा और वापस से जाऊँगा गोल्ड कलेक्ट करने के लिए। तो ओके गाइस, यहाँ पे ना मैंने सारा का सारा कोल कलेक्ट कर लिया है। अब मैं वापस जाने वाला हूँ अपने घर के लिए, और वहाँ से मैं लेकर आऊँगा आयरन पिकेक्स। और एक कोई सेकेंड, ये रास्ता कहाँ जा रहा है यार? पता नहीं यार, ये माइन पता नहीं कैसी माइन है यार, ये अलग अलग रास्ते जा रहे हैं इधर। एक सेकेंड, यहाँ से बाहर एक इस तरफ से निकलते हैं। तो ओके गाइस, है ना, अभी ना मैं भागता भागता आ चुका हूँ अपने घर पे। बस मुझे अंदर चलना है जल्दी से, और अपना बैग खाली करूँगा और फटाफट अपनी आयरन पिकेक्स लेके चले जाऊँगा गोल्ड कलेक्ट करने के लिए। तो जल्दी से अंदर चलते हैं। और यहाँ पर मेरे पास लेदर भी कलेक्ट हो चुका है, क्योंकि है ना, जब मैं माइन से बाहर निकल रहा था ना, तब मुझे कुछ है ना, वो ट्रेडर होता है ना जो वो लैम लेके घूमता रहता है, वो दिख गया था। और गलती से ना उसके लैम को मैंने मार दिया था, तो उसने ना मुझे भी मारना चालू कर दिया, इसलिए मैंने गुस्से में उसको भी निपटा दिया। तो इधर जल्दी से अपना आयरन और रख देते हूँ। चलो ये काम हो गया। यहाँ पे मेरे पास कोल में बहुत सारा है। आयरन इंगट, तो यहाँ पे इसको बनने देते हैं, यहाँ पे अपना कोल डाल देते हैं। इसमें तो है कोल इसमें। यहाँ चलते हैं फटाफट, बैग खाली करते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना मैंने सारा सामान रख दिया है, और यहाँ पे मैंने आयरन इंगट भी ले लिए हैं, जिससे मैं अपनी पिकेक्स बनाऊंगा। और यहाँ पर अभी सारा सामान रख दिया मैंने। यहाँ से थोड़े वुडन जो अपने प्लैंक है उसको ले लिया, और यहाँ पे स्टिक्स बना देना है मुझे। तो जल्दी से चलते हैं अब अपनी आयरन पिकेक्स बनाने के लिए। आयरन पिकेक्स ये रही, दो बनाऊंगा, हो सकता है वरना ये डैमेज वैमेज हो जाए। और बाकी के आयरन इंगट वापस रख देता हूँ, ये 16 आयरन इंगट। और यहाँ वुडन प्लैंक रख देते हैं जल्दी से। तो ओके गाइस यार, अभी ना मैं फटाफट ऊपर जाऊंगा। और एक सेकेंड, यहाँ तो रात हो गई और बारिश भी हो रही, काम सो जाते हैं और सुबह होते ही निकल जाएंगे माइनिंग करने के लिए अपना गोल्ड कलेक्ट। तो ओके गाइस, अभी ना मैं सो के उठ चुका हूँ, और अभी ना मैं फटाफट जाने वाला हूँ अपने जो गोल्ड है उसको कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे अब मेरा फाउंटेन देखो कैसा दिख रहा है। जल्दी से फटाफट से उसी माइन के लिए निकलते हैं। और यार मैं बार बार ही इसी तरफ में आ जाता हूँ यार, इसी गेट के लिए। मैं ना यार बार बार भूल जाता हूँ, वैसे यार धीरे धीरे आदत हो जाएगी। फटाफट माइन के लिए, माइन पे पहुँचते हैं। एक गेट खोलो, इस गेट को बंद कर देना, वरना हो सकता है क्रीपर वगैरह अंदर चले जाए। तो चलो गाइस यार, फटाफट से अब मैं ना माइन के लिए निकलता हूँ, और फटाफट गोल्ड कलेक्ट करके वहां से आते हैं। तो गाइस, अभी ना मैं भागता भागता आ चुका हूँ वापस दोबारा से माइन के लिए। और यहाँ पे जल्दी से इस माइन में एंटर करते हैं, जिससे हम अपना जितना गोल्ड था वहाँ पे वो सब कलेक्ट कर लेता हूँ। वहाँ पे काश या कम से कम 5 से 6 अपने को जो है गोल्ड के और तो मिल ही जाए। मजे मजे में वहाँ से गिर गया मैं, थोड़ा थोड़ा बहुत ही डैमेज आया है। सेकेंड, वैसे मैं भूल गया यार गोल्ड था किधर, के इसी तरफ में, इस तरफ में ही था। किधर था? हाँ, इस तरफ में से जाना है मुझे नीचे के। फटाफट से नीचे उतरता हूँ।
और आप किधर जाना है? इस तरफ तो कुछ नहीं है, ये नीचे चलता हूँ। ओके मैं नीचे गिर गया, ये कहाँ गिर गया? एक सेकंड फटाफट बाहर निकल दूँ, बाहर बाहर बाहर। ओके और पता नहीं कहाँ गिर गया था मैं। कि आप किधर जाना है? ओके ये रहा गोल्ड, इस गोल्ड को फटाफट से कलेक्ट करते हैं। यार गाइस यार कितनी फटाफट टूट रहा है यार ये अपनी आयरन पिकेक्स का, कितनी तेजी से तोड़ रहा है यार ये आयरन पिकेक्स हमारी, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। यहाँ पे 4 आयरन हो रहे हैं, ओ सॉरी गोल्ड हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल भी है, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या गाइस अभी ना मैं सारा का सारा गोल्ड और जो कोल था वहाँ पे सब कलेक्ट कर चुका हूँ, और अभी मैं ना वहाँ से आज निकल रहा हूँ। और ये अभी मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, मैं माइन के अंदर ही कहीं घूम रहा। एक काम करता हूँ ना, नीचे की तरफ मैं पता नहीं क्या सी जगह जा रही है, यहाँ नीचे चलते हैं। ये गाइस वही जगह है जहाँ से हमने कोल था, वो इधर पास में के ना नीचे की तरफ में माइन जा रही थी, ये वही माइन है। देख सकते हैं यहाँ के, यहाँ पे थोड़ा और आयरन है, इसको कलेक्ट करते हैं फटाफट। ज़्यादा आयरन नहीं है यार, बस थोड़ा सा ही आयरन है इधर, इसको तोड़ता हूँ इस तरफ में। नहीं ज़्यादा बहुत है, बहुत आयरन है इधर। गाइस यार मुझे क्या लग रहा है ना, हम लोग अगर 10 से 20 बार अगर और आए ना, ये पूरी जो माइन है अंदर से पूरी खोखली होने वाली है, यहाँ पे से पत्थर होने वाले हैं, ना ही गोल्ड होने वाला है, ना ही आयरन। ओके यार नीचे की तरफ मेरे को रास्ता, टॉर्च टॉर्च, एक सेकंड ये क्या है? ओके ये क्या है? ये रेड रेड पता नहीं क्या है, इसको कलेक्ट करता हूँ, आयरन वाली से करते हैं। ओके यहाँ पे 4 ही हैं, ये जो कुछ भी आ रही है रेड पता नहीं क्या है। के आगे की तरफ में तो कुछ भी नहीं है इधर, हाँ ऊपर में कोल है, इसको कलेक्ट करते हैं कोल को। ओके बहुत सारा कोल है इधर, तो सारा कोल कलेक्ट कर लूँगा। तो क्या गाइस यार अभी ना मैंने वहाँ से सारा का सारा कोल कलेक्ट कर लिया, मैं वापस ऊपर की तरफ जा रहा हूँ ठीक है। और अभी ना मैं इस तरफ में नीचे की तरफ में क्या है, इस तरफ जाऊं कि नहीं, मेरे को इसे एक बार जाकर देख लेते हैं क्या है नीचे, टॉर्च लेते हैं। ओके यहाँ पर साइड में इधर नहीं, नहीं लगी इधर। ओके एक सेकेंड ये क्या हुआ, ग्रेवल और इतनी सारी ग्रेवल। ओके यहाँ टॉर्च अपनी सेफ है, यहाँ लगा देता हूँ। चलो ये तो यहाँ लगा दी, नीचे की तरफ में लावा है और एक टॉर्च यहाँ लगा दे। ओके एक सेकेंड ये क्या है, ये क्या है, ये डायमंड है क्या? नहीं एक सेकेंड। ओके कलेक्ट हो गया, नहीं हुआ। ओके नीचे मुझे लगा, ओके एक लैपिस लजुली, ओके पता नहीं ये क्या चीज़ है, मतलब एक और से मुझे 6 6 लैपिस लजुली मिले हैं। और वो जो रेड रेड था ना, वो रेड स्टोन है, और ना नीचे की तरफ में लावा देखो गाइस, कितना सारा लावा है। मैं ना यहाँ से बाहर निकलता हूँ फटाफट। ओके इस तरफ में क्या है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पर और आयरन है, इसको कलेक्ट करते हैं। एक एक ही और है क्या? नहीं नहीं और होने चाहिए, नहीं यार एक ही और है। चलो देखो गाइस फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं, बहुत हो गया यहाँ पे बस। तो मुझे भी यार अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ भैया अपन बहुत ज़्यादा नीचे तक आ चुके हैं इस माइन के। तो मैं यार मैं फटाफट से इस तरफ यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, मैं रास्ता भूल गया शायद, कि इस तरफ है, इस तरफ है, ये कॉबल स्टोन दिख गए, इस तरफ है रास्ता। एक सेकेंड ये कहाँ है, ये कहाँ गया? एक सेकेंड यार मैं बाहर कैसे निकलूँगा, एक सेकेंड इसको तोड़ता हूँ कि हम यहाँ से निकलते हैं। तो क्योंकि गाइस यार आज ना हमने मतलब बहुत अच्छा दिन निकला आज का हमारा, क्योंकि हमें गोल्ड भी मिल गया और ढेर सारा आयरन, और भी आयरन कोल गोल्ड लेपिस लजूली और रेड स्टोन भी मिल गया। और रेड स्टोन से मैं कंपास बना सकता हूँ, जिससे अगर मैं कहीं दूर भी जाता हूँ और अगर रास्ता भूल जाता हूँ, कंपास के जो ना कंपास को यूज करके मैं वापस अपने घर आऊंगा। तो क्या गाइस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।